ग्रोथ यानी वृद्धि किसका हिस्सा है? डेवलपमेंट का, ये बात हमने समझी थी। वृद्धि किसका हिस्सा है? डेवलपमेंट का। भाई डेवलपमेंट एक बड़ा सा डोमेन है जिसका एक हिस्सा है ग्रोथ, ठीक, जिसका एक हिस्सा मैच्योरेशन यानी परिपक्वता भी होती है। परिपक्वता हमारी आनुवांशिकता से मिले हमारे गुण जो समय के साथ अनफोल्ड होते हैं। आपके अंदर ये क्षमता थी कि आज आप टीचर बन पाए या आप आज बेसिकली चीजों को समझ पाए। क्या 5 साल में समझ पाते? नहीं, परिपक्व नहीं थे तब उस चीज के लिए। बच्चे के अंदर, बच्चे के पास पैर हैं, हाथ हैं, क्या वो पहले ही दिन से दौड़ना शुरू कर देगा? नहीं। जब उसके अंदर वो मैच्योरिटी आएगी, चाहे वो ब्रेन के लेवल पे हो, बाकी आस्पेक्ट्स में हो, हेरिडिटी से जो उसे क्षमताएं मिली हैं वो समय के साथ जब अनफोल्ड होंगी उसी को हम मैच्योरिटी कहते हैं। ये हाईली रिलेटेड होती है हेरिडिटी से, हाईली रिलेटेड टू हेरिडिटी। ये बात तो हम बिल्कुल समझ सकते हैं, इसमें कोई भी समस्या हमें नहीं होनी चाहिए। ठीक, ग्रोथ सिर्फ वो भाग है विकास का जिसमें क्वांटिटेटिव परिवर्तन है। क्वांटिटेटिव आप समझ रहे होंगे मात्रात्मक, जिनको आप माप पाओ। क्वांटिटेटिव या दूसरी भाषा में कहें तो स्ट्रक्चरल, आपके आकार, आपके स्ट्रक्चर में परिवर्तन, ठीक, संरचना में परिवर्तन, मोटे हो गए, पतले हो गए, लंबे हो गए, छोटे हो गए, है ना, मतलब हो नहीं गए, थे ही, ठीक, और वेट बढ़ गया, हाइट बढ़ गई, जिनको आप मेजर कर सके, वो डोमेन जिनको आप मेजर कर सकें, जिनको आप मात्रा में माप सकें, वो आपके ग्रोथ से संबंधित हैं। ठीक, विकास में ग्रोथ भी है और अपने आप में विकास के सभी हिस्सों को आप माप नहीं सकते, हालांकि इनके बारे में अभी हम बात करेंगे, 5 दिन तक ऐसे काम करने वाले हैं। ठीक, तो ग्रोथ एक हिस्सा है जिसमें स्ट्रक्चरल या क्वांटिटेटिव परिवर्तन आते हैं और ये एक समय के बाद रुक जाती है, हमेशा नहीं होती। अगर आपकी हाइट हमेशा बढ़ती रहती, रुक जाती है एक समय के बाद, मेच्योरिटी के टाइम पे 18 साल के आसपास एक समय के बाद रुक जाएगी, ठीक, रुक जाती है, हमेशा नहीं चलेगी, जबकि जो विकास था वो आपके गर्भ से ही शुरू हो गया था और कब्र तक जाएगा, ठीक, रुक जाती है एक टाइम के बाद। क्लियर हो गई बात? जो ऐसे पक्ष हैं जिनको आप माप सकते हो, जैसे आपका हाइट, जैसे आपका वेट, इन सबको आप मेजर कर सकते हो, ये एक समय के बाद एक स्थिरता आ जाएगी इसमें, कम ज्यादा होता रहेगा थोड़ा बहुत, बट अगर मान लो आपकी हाइट बढ़ती रहती जीवन भर, फिर तो हम कहीं आ ही ना पाते, है ना, पता नहीं कौन बन जाते, बहुत बढ़िया कुमार गौरव। तो ये आस्पेक्ट, इनको आप पहले तो आप मेजर कर सकते हैं यूनिट्स में, भाई हाइट को, वेट को, आप कोई भी एक इनकी यूनिट तो होगी, चाहे वो इंचेस हो, चाहे वो किलोग्राम हो, तो यूनिट में मेजर कर सकते हो। डेवलपमेंट के हर एस्पेक्ट को मेजर करना, माप पाना संभव नहीं है। आप कैसे मापेंगे? मेरी समझ जो है वो कल से बेहतर हो गई, एक व्यक्ति एक ब्रेकअप से दूसरे ब्रेकअप के बीच कितना इमोशनली डेवलप कर गया, इंटेलिजेंट बन गया, आपको कैसे पता लगेगा? नहीं पता लगेगा, आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। जरूरी नहीं है आप उसको यूनिट में माप पाए कि इतने ग्राम इसकी समझ बढ़ गई, तो यूनिट में माप पाना जरूरी नहीं है।